हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे स्लाइसर्स के बारे में। और स्लाइसर हम पिवट टेबल नहीं, हम नॉर्मल डेटाबेस स्लाइसर कैसे इस्तेमाल करेंगे इसके लिए बात करेंगे। जैसे कि आप जानते हैं कि स्लाइसर का जो यूज होता है वो खासकर फिल्टर्स के लिए यूज होता है पिवट टेबल में, लेकिन हम एक्सेल के अंदर भी, डेटा के अंदर भी फिल्टर इस्तेमाल कर सकते हैं। बस हमें डेटा को सिलेक्ट करके इसको हमें फॉर्मेट एज ए टेबल करना होगा, मतलब इसको टेबल में कन्वर्ट करना होगा। उसके बाद आप देखेंगे टेबल डिजाइन में आपको स्लाइसर मिल जाएगा। अब यहाँ पे स्लाइसर जिस फील्ड में आप लगाना चाहते हैं उस फील्ड को सेलेक्ट करें और यहाँ पे ओके करें तो आपको यहाँ पे स्लाइसर्स का डिटेल्स मिल जाएगा। पर प्रॉब्लम ये है कि स्लाइसर का इस्तेमाल हम सिर्फ फिल्टर करने के लिए करेंगे या किसी और चीज़ के लिए भी कर सकते हैं। जी हाँ, किसी और चीज़ के लिए भी कर सकते हैं। उसके लिए हमें एक नया शीट इंसर्ट करना पड़ेगा। और जैसे कि मान लीजिए कि मुझे यहाँ पे एक टोटल चाहिए हमें डेटा यहाँ पे। तो यहाँ जैसे कि मान लीजिए मुझे टोटल क्वांटिटी चाहिए, लेकिन मैं चाहता हूँ कि जब स्लाइसर्स के अकॉर्डिंग ये चेंज हो, और जो स्लाइसर्स हैं वो स्लाइसर्स मैं यहाँ से कट करके दूसरे शीट पे ले जाता हूँ। इसको सेलेक्ट कीजिए एंड कट, दूसरे शीट पे आप पेस्ट कर दीजिए। तो स्लाइसर्स को हमने दूसरे शीट पे पेस्ट कर दिया। तो यहाँ हमारा पूरा डेटा शो कर रहा। अब यहाँ मैं फॉर्मूला सब टोटल का लगाता हूँ। सब टोटल का फॉर्मूला क्या करेगा कि जो विजुअल सेल्स से उसी का टोटल करेगा। इसमें हम 9 नंबर सेलेक्ट कर लेते हैं और कॉमा, हम जाते हैं डेटा में और यहाँ पे हमने क्वांटिटी को सिलेक्ट करके एंटर मार दिया। अब मैं दिल्ली को सिलेक्ट करूँगा, सिर्फ दिल्ली का टोटल दिखेगा। अगर मैं सिलेक्ट करूँगा लीला का तो सिर्फ लीला का टोटल मिलेगा। जो फील्ड्स हम सिलेक्ट करेंगे सिर्फ उसी का टोटल आपका यहाँ दिखेगा। क्यों ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि जब हम स्लाइसर को सिलेक्ट कर रहे हैं तो हमारा डेटा फिल्टर हो रहा है और डेटा जो विजुअल होगा सब टोटल उसी का सम करेगा। इसी तरह की डिटेल्स वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल पर बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और आपको पूरी की पूरी कंटिन्यूस वीडियो चाहिए तो आप मेरा मोबाइल ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही मेरा मोबाइल नंबर आपके सामने दिख रहा है, मुझे कॉल कर सकते हैं, मेरे साथ लाइव ऑनलाइन क्लासेज ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू।